केक स्ट्रीट चे मालक प्रशांत गोराटकर, भूपेश पाटील कुरुंद, सचिन विशे यांच्याकडून एपिफिस देण्यात येत आहे. तसेच योगेश दोंदे, राकेश शिरसाट आणि केवल पाटील या सर्व प्रायोजकांचे हार्दिक आभार. माफ करा, मुकेश पाटील कुरुंद, तर त्यांना देखील मी धन्यवाद देतोय आयोजकांच्या वतीने. खेल की शुरुआत होती भी, दोनों टीमें इस वक्त मैदान की तरफ बढ़ती भी. एससीसी पड़गा साजिद शेख फैम टीम बनाम तलवली स्पोर्ट्स तलवली, दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर खिजर और उनके साथ रेहान. और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होता हुआ मेरे साथ जुड़ते हुए एक आवाज जो कुक्से से आई है पिछले कई सालों से, हम चाहते कि वो आवाज आगे जाकर सिटी क्रिकेट और थाना जिला में जाकर बड़े. आइए योगेश पाटिल, मराठी की एक बुलंद आवाज. धन्यवाद आदित्य. तर मित्रांनो, आपण पाहतोय जय गणेश चषक 2019 हे पर्व, दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील चौथी लढत आपण पाहतोय, तलवली स्पोर्ट तलवली वर्सेस एससीसी पडगे. दोन्ही संघाचा जर आपण विचार केला तर दोन्ही संघ बॅलेन्स संघ आपण पाहतोय. चांगला बॅटल आपल्याला पाहायला मिळेल या सामन्यामध्ये, चांगली रंगत आपल्याला पाहायला मिळेल. तर एससीसी संघाने नक्कीच नाणेफेकीचं कौल जिंकलं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. त्यांना विनंती करतो आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि नक्कीच आपल्या डावाला सुरुवात करायची आहे. प्रति चार षटकांचा हा सामना सुद्धा असेल. पहिला षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्ले असेल आणि चार षटकांसाठी आपल्याला 20 मिनिटाचा या ठिकाणी वेल दिला जाईल आणि या चार षटक ही 20 मिनिटांमध्ये समाप्त आपण करायची आहेत. तर सलामीची जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवर पोहोचते तलुली स्पोर्ट तलुली संघाची. रिहान आणि खिजर, एक डावखुर हाताचा फलंदाज तर दुसरा उजव्या हाताचा फलंदाज, एक चांगली रणनीती आपण पाहतो या तलवली संघाच्या संगणकाकडून. आणि ज्या ज्या वेळी अशी जोडी खेळपट्टीवर असते त्या त्यावेळी गोलंदाजांना थोडीशी डोकेदुखी ठरत असते. परंतु पाहूया पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवरफुल गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतो या परगा टोका एंड गडनं सलमान. अतिशय भव्य दिव्य आपण या स्पर्धेचं नियोजन पाहतोया. अतिशय अपार मेहनत घेतली आहे सर्व सहकार्यांनी, त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचे शिल्पकार संदीपजी काटोले साहेबांनी. अतिशय एक मेगा इव्हेंट आपण पाहतोय ग्रामीण क्रिकेट, त्यानंतर ओपन क्रिकेट सुद्धा मित्रांनो आपण पाहणार आहोत. तर नक्कीच खेळाला सुरुवात होते. पहिला षटक सलमान राईट टाइम वर विकेट या ठिकाणी मारा करतोय. बिल्कुल, इसका सारा क्रेडिट जय गणेश वफाले के टीम मेंबर्स और एसके संदीप काटोले को. स्पर्धा सफल हुए, खाली क्षेत्र में खेल दिया गेंद डीप मिड विकेट के बाहर 4 रनों के लिए. बड़का ग्रामीण परिसरात 15 वर्ष दब दब कोणाचा. धन्यवाद डीजे. पॉपिंग क्रीज में ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन, पुल शॉट खेला था, एलिवेशन नहीं बना था लेकिन गेंद क्लियर करती भी बाउंड्री रोज को डीप मिड विकेट पर 4 रनों के लिए. जबरदस्त सुरुवात आपण पाहतो या ठिकाणी तलुली स्पोर्ट तलुली संघाची. आता मात्र सिक्स सेट खेळला जातोय आणि जबरदस्त फटका, चेंडू जातोय सीमारे शापार चौकार. बडका ग्रामीण परिसरात 15 वर्ष दब दब कोणाचा. जबरदस्त टायमिंग चेंडू आणि बॅट मध्ये आपण पाहतोय बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आपण पाहतोय रिहानच्या बॅट मधून. आता मात्र धाव संख्या अतिशय वेगाने पुढे सरकते, बिनबाद 8 आणि आता मात्र गोलंदाजावर दबदबा पाहतोय आपण फलंदाजाचा. पहिलेही मन बनाले आता स्विच हिट पोझिशन मे येते बॅट्समन रेहान, फिर से उठा दिया गेंद को डीप स्पेल की दिशा पर, पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखे के बाहर 4 रन. आणि नक्कीच या ठिकाणी चौकारांचे हॅट्रिक पूर्ण करतोय फलंदाज रिहान आणि नक्कीच या चौकार हॅट्रिक साठी मिस्टर मनोज विषय यांच्याकडून रोख 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. नक्कीच या स्पर्धेचे शिल्पकार आदित्य जर आपण बघितले तर अपार मेहनत त्यांनी घेतलेली आहे स्पर्धा सक्सेसफुल करण्यासाठी.
सन्माननीय संदीपजी काटोले आणि नक्कीच त्यांच्या जोडीला जोडी खांदा लावून अतिशय मोलाचं योगदान संदीपजी विषय याचं सुद्धा अतिशय खूप मोठं योगदान आहे स्पर्धा सक्सेसफुल करण्यामागे. बिलकुल चौकू की हॅट्रिक के लिए सोमनाथ विषय की तरफ से 500 रुपए का इनाम है. इस मरतबा बैकफुट पर चले गए राइट कट गेंद के आने का इंतजार किया था ऊपर और ढकेल दिया था गेंद कवर रीजन पर जाती भी एक रन के लिए. आखिरी मोमेंट पर बल्ले का फेस खुला था जुगेश पटेल जिस तरह से शॉट्स को खिला था रेहान मुरुमकर ने एक रन 13 पर जाता हुआ स्कोर. कल के दिन में भी चौकू की हैट्रिक लगी थी विकटू की हैट्रिक भी हुई थी कल गोल्डन सिक्स भी लगा था. आज के दिन में थ्री पर एक बैट्समैन रन आउट हुए मतलब हैट्रिक भी हुई विकटू की लेकिन काफी सारा आज के दिन में कुछ होता हुआ. शेखर दलवी ने विकेट मेडन ओवर किया था अभी पिछले मैच में अर्जुली के सामने. इस मैदान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इस मैदान पर अच्छे रन बनते हैं लेकिन दोनों एंड से जब बल्लेबाजी होती है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ गेंदबाजी करने वाली टीम को भी मिल जाता है. दरम्यान सलमान पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ओवर पे चेंडू विडकाव देण्याचा प्रयत्न आणि सरळ चेंडू जातोय लॉन्ग अँड सीमारेषेच्या बाहेर. A1 क्वालिटीचा हा ब्रँडेड षटकार. आणि नक्कीच ज्या प्रेक्षकाने झेल पकडला आहे त्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. त्या झेलसाठी मनोज विषय यांच्याकडनं रोख 200 रुपयाचा पारितोषिक असेल आणि मित्रांनो हॅट्रिक साठी सोमनाथ विषय यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. जबरदस्त टायमिंग चेंडू आणि बॅट मध्ये आता मात्र फुल टॉस चेंडू होता टायमिंग मात्र व्यवस्थित पाहायला मिळालं नाही. जोपर्यंत शत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय तोपर्यंत एक धाव त्या ठिकाणी पूर्ण केली आणि अशा रीतीने पहिल्या षटकाचा खेळाच्या समाप्तीनंतर तलवली स्पोर्ट तलवली संघाची पॉवरफुल सुरुवात कुठलाही गडी या ठिकाणी गमावला नाही आणि धावपळकर धाव आपण पाहतोय 20 धावा. बिल्कुल दिन में तारे नजर आते हुए अब सलमान शेख को पावर प्ले के खेल में एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 बिना किसी नुकसान पर. सुबह से तीसरे दर्शक है जिन्होंने कैच को अंजाम दिया और सुबह से नजर नहीं आ रही है मनोज विषय जिन्होंने इनाम लगाए दर्शक कैच के लिए. नक्कीच भोईरपाड़ा हा प्रेक्षक है सूरज. तर नक्कीच मी संदीप जी विषय साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आपण या ठिकाणी देणार आहोत. बिल्कुल शारदा हायस्कूल के स्टूडेंट नजर आते हुए पूरे ड्रेस कोड्स में 200 के चक्कर में आज स्कूल में नहीं गए हो अच्छी सोच है. तर नक्कीच या ठिकाणी खिलाडूंना सुद्धा भरघोस पारितोषिक आपण पाहतोय आणि त्यानंतर उपस्थित क्रीडा रसिकांसाठी अतिशय चांगली मेजवानी आपण पाहतोय. मनोज विषय यांच्याकडनं एक चांगली संकल्पना त्यांच्याकडे आपण पाहतोय. प्रत्येक झेलसाठी रोख रक्कम 200 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी दिला जातोय. तर दुसऱ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ सुरुवात होते वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं दुसरं षटक साकारतोय सुनील वारके. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ चेंजिंग करते हुए गेंदबाजी में सुनील वारके आते हुए वाफाले एंड के जानिब से. खेल की शुरुआत करनी है समय के मामले में दोनों अंपायर सबको स्ट्रिक रहना आपको वार्न करना है खिलाड़ी को क्योंकि आज के दिन में पूरे मैचेस खिलाना है वो भी 4 ओवर्स के. सामना करते हुए खिजर रईस राउंड विकेट जाते हुए खिजर रईस के लिए अब डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी एक डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा में थोड़ा सा वाइड एक लॉन्ग ऑन और वाइड एक लॉन्ग ऑफ की दिशा पर एक खिलाड़ी वाइडी से डीप मिड विकेट पर सलमान शेख के रूप में जो लेट सुभाष काठोले स्टैंड की तरफ नजर आते हुए फिर से छोटी गेंद उठा दिया है सलमान शेख लेकिन पहले बाउंस पर गेंद को उठाते हुए काफी दूर थी सलमान शेख से गेंद. किस्मत वाले रहे वहां पर खिजर रईस 2 रन पूरे करते हुए. हालांकि कोशिश योगेश पटेल देखा जाए तो पूरी तरह से की थी लेकिन बीच में रुक गए थे सलमान शेख. नक्कीच अतिशय संत गतीने चेंडूवर झेप घेतली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला फलंदाजाने. अतिशय वेगाने 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या. अतिशय चांगली फटकेबाजी आपण पाहतोय फलंदाज रियान कडनं सुद्धा एक षटकाच्या साहाय्याने आतापर्यंत खेळतोय सुनील. पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू आणि हा चेंडू पाहूया जाणार नक्कीच मिड विकेटची मारेच्या पार षटकार. परिसरात 15 वर्ष दबदबा कोणाचा. लूजनर की थी फुल टॉस बन गई थी बैट्समैन खिजर रईस के लिए और बल्ले के बीचों बीच लिया था और तान दिया था आसमानी टोला 6 रन डीप मिड विकेट के बाहर. सिक्सर के साथ स्कोर आगे छलांग लगाता हुआ 28 रन
बिना किसी नुकसान पर पूरी तरह से योगेश पाटिल तलवली की बैटिंग ऑर्डर चार्ज होती हुई नक्की तर मित्र एवढंच म्हणे ना आदित्य ज्याप्रमाणे बुलेट ट्रेन रुलावर अतिशय वेगाने पळत असते त्याचप्रमाणे हे धावफलक अतिशय वेगाने पुढे सरकतोय तलवली स्पर्ट तलवली संघाचं शॉर्ट पिट चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न सुरेख चेंडू मध्ये टायमिंग पाहायला मिळतोय आणि चेंडू नक्कीच जातोय डीप पाइन लेग सीमारेषेच्या बाहेर चौकार हालांकि मैंने और अजय गर्ग ने सुबह जो विकेट के बारे में कहा था कि काफी रफ विकेट है और इस गेंद पर विकेट पर कहीं ना कहीं द्विधा बाउंस से कभी गेंदें नीचे बैठ जाती है तो कभी एकाएक बाउंस भी मिल जाती है हालांकि बाउंस मिल गई थी राइजिंग बन गई थी और हुक शॉट खेला था पर खिजर रईस ने गेंद डीप लॉन्ग लीग की दिशा में चली गई थी चार रनों के लिए रन अब पानी की तरह बहते हुए तलवली टीम के लिए 32 पर जाता हुआ स्कोर नक्कीच आता मात्र फलंदाज षटकार आणि चौकारामध्ये डील करताना आपण पाहतोय रिहान आणि त्यानंतर खिजर आता मात्र नक्कीच चेंडूच्या प्रिमिटमाने फटका खेळतोय अतिशय क्लासिकल फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि चेंडू अतिशय वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर जातोय चौकार इसलिए योगेश पाटिल कहा जाता कि क्रिकेट सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी खेला जाता है अब स्टंप की बाहर की गेंद रूम दिया था बैट्समैन खिजर को और सिर्फ दिशा दी थी खाली क्षेत्र में खेला था गेंद डीप पॉइंट के बाहर चार रनों के लिए चली गई थी इसके बाद तर नक्कीच आपण ज्याप्रमाणे क्लासिकल संगीत ऐकायला खूप बरं वाटत असतं आणि त्याचप्रमाणे क्लासिकल फटके हे पाहायला खूप चांगले वाटत असतात आता मात्र नक्कीच सरळ बॅटने हा फटका खेळला जातोय कुठलाही शत्रक्षक मात्र चेंडूकडे पोहोचत नाही अतिशय वेगाने मात्र गॅप मधून चेंडू जातोय बॉलर बॅक ड्राइव्ह 4 रन्स जो आ रहा योगेश पाटील वो खा रहा है रन संख्या देखा जाए तो 40 पर जाती भी चौकों की हैट्रिक करते हुए खिजर रईस फिर से उठा दिया लेकिन मैदान के अंदर गेंद के नीचे ही खिलाड़ी आते हुए सोहेल शेख कैच छुट्टा हुआ व्यापार दो रन इस बीच पूरे करते हुए आउटफील्ड के इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है सोहेल शेख जिनको डीप लॉन्ग रन की दिशा पर रखा था कैप्टन ने दो रनों के साथ 42 पर जाता हुआ स्कोर दो ओवर की समाप्ति के बाद बहुत तूफानी शुरुआत मिलती भी तलवली टीम के लिए नेक्स्ट मैच बीसीसी बोरिवली वर्सेस विठ्ठल स्वच्छ स्पोर्ट कांदली या दोन्ही संघांना विनंती करतोय आपण नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये येणार आहोत आपण आणि त्यानंतर गोल्डमॅन दलेपाडे गावातील प्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय चेतन पाटील साहेबांच्या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आपलं हार्दिक स्वागत करतोय आयोजकांच्या वतीने वेलकम सर वेलकम तर नक्कीच आपण मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक पाहतोय बिलकुल योगेश पाटील फर्स्ट ट्रॉफी उसके बाद रनर अप और फर्स्ट रनर अप और ओपन की फर्स्ट ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं 6 फीट की जो स्पॉन्सर किए चेतन पाटिल गोल्डमैन ऑफ पड़गा और दयानंद पाटिल ZP मेंबर ऑफ लाप उन्होंने इस वक्त पड़गा टेनिस क्रिकेट के गोल्डमैन चेतन पाटिल का आगमन होता हुआ वेलकम जिनका शो इसी मैदान पर हम फरवरी के महीने में देखने वाले कितने पे बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त खिजर रईस 29 रन जिसमें कुल मिलाकर 3 चौके और 2 सिक्सर के मदद के साथ बिल्कुल रयान मुरुमकर ने भी चौकों की हैट्रिक की थी पहले ओवर में दूसरे ओवर में खिजर रईस ने सुनील वारके के सामने की देखिए अतिशय दमदार अतिशय चांगली सुरुआत अपने मनुष्य तो कारण कुठला गड़ी या ठिकाणी बाद झाला नाही तलवली स्पर्ट तलवली संघाचं दोन्ही फलंदाजाकडून मोठे फटके आपण पाहतोय रिहानने सुद्धा चौकारांची हॅट्रिक पूर्ण केली आणि त्यानंतर खिजरने सुद्धा या आपल्या खेळीमध्ये चौकारांची हॅट्रिक त्याच्याकडनं सुद्धा पाहायला मिळाली तर पाहूया तिसऱ्या षटकासाठी नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय सुपियान ज्या धावा वेगाने वाहत आहेत त्या धावांवर या ठिकाणी ब्रेक लावतो किंवा पाहूया तिकडे एक चमत्कारी गोलंदाजी करावी लागेल या ठिकाणी धावांवर रोक लावावा लागेल अशाच प्रकारची जर धावा आल्या तर नक्कीच या स्पर्धेचं उच्चांक नक्कीच गाठू शकेल तलवली स्पोर्ट तलवली ज्याप्रमाणे दोन्ही फलंदाज अतिशय चांगली कामगिरी करतात आतापर्यंत खेळपट्टीवर आता मात्र बघितला थोडासा शफल झाला होता ऑफ स्टंपवर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू अतिशय वेगाने फेकला
आणि सरळ एस्टॅनच्या पाठीमागे जातो एस्टॅनच्या हातामध्ये. आणि या पहिल्या डावामध्ये आपण जर बघितला तर पहिला निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय गोलंदाज सुप्यांच्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. बिल्कुल ज्यादा सफल हुए थे रेहान और विक्टू को खुला छोड़ा था, लेकिन विक्टू के ऊपर से चली गई थी विकेट कीपर सुनील वारके के पास. रुका हुआ स्कोर 42 रन. सुप्यान शेख और दी विकेट, फिर से घूम के मार दिया हुक शॉट, गेंद पीछे की तरफ लॉन्ग लेग की दिशा पर 4 रन. धन्यवाद डीजे. बीसीसी बोरिवली पडगा के कप्तान धनेश कुकसे की रनर अप टीम बनाम विठल पस्ते कानली. दोनों टीमों से निवेदन, आपको ड्रेस चॉइस करने के लिए आना और टॉस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है. बीपी कानली के कप्तान और बीसीसी बोरिवली के कप्तान. निकिता सर्व संघाने में विनंती करते अपने वेले संदर्भात सहकार्य करा. या खुद या ठिकाणी येत आहेत. पुन्हा डाव्या इच्छेवर चेंडूचे फेक फोटा फटका केला जातो. चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचतोय आणि पहिला गडी या ठिकाणी मात्र बाद होतोय. रिहान बॅक टू द पवेलियन. यही तरीका था जहां पर योगेश पाटिल विकेट गिर सकता था. तलौली का छोटी गेंद की थी, फिर से आधा पुल और आधा हुक करने की कोशिश और प्रतीक जाधव का ऊपर बढ़िया कैच समाप्त करते हुए विकेट नंबर 1 का पतंग होता हुआ नया बैट्समैन स्लॉग ओवर के डेंजरस कस्टमर कामरान पटेल आते हुए नंबर 3 पर. तर नक्कीच या ठिकाणी चांगली फटकेबाजी केल्यानंतर मात्र रिहान बाद होतोय. 17 धावांचा आपल्या संघाला योगदान दिलं आणि त्यानंतर वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी आपण पाहतोय नॉन स्ट्राइक एंडवर कमरान येतो नवीन फलंदाज. उर्फी चेंडू हुकण्याचा प्रयत्न केला होता, आडव्या बॅटने फटका खेळतोय. चेंडू धक्केचा डिस्क केअर लेगला जातोय, जोपर्यंत शतरक्षक चेंडूला उचलून फेकतोय तोपर्यंत अतिशय वेगाने 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या. खिजर अतिशय चांगली या ठिकाणी फटकेबाजी त्याच्याकडे पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 3 चौकार आणि 2 षटकारच्या सहाय्याने नॉट आउट 31 या धावसंख्येवर खेळतोय आणि नक्की त्याच्याकडे संधी आहे अजय. कदाचित तो अर्धशतक सुद्धा झळकावू शकतोय ज्याप्रमाणे या ठिकाणी त्याच्याकडनं फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. सुप्यान शेख हे देखील रायझिंग गेन रफ पिच होने के कारण गेन नॉन स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रन. व्हाइट का इशारा था बासन मोमिन का. डीजे आज दर्शकों ने 3 मर्तबा कैच को अंजाम दिया था सीमा रेखा के बाहर और जिस शख्स का हम इंतजार कर रहे थे मनोज विषय उनका आगमन हो चुका. उनको भी 600 रुपए पूरी तरह से जमा करना है कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि प्रशांत विषय संदीप काटोले इन्होंने आपके पैसे दिए थे. आपको कमेंट्री बॉक्स में आपको जमा करने आपके 600 रुपए. 3 कैचेस को अंजाम दिया था. हालांकि कल उन्होंने योगेश पाटिल 2000 रुपए गायकवाड़ सर के पास दिए थे, लेकिन शाम के समय उन्होंने वापस भी लिए थे. रनों का अर्धशतक 53 रन बनते हुए स्कोर कार्ड पर तलौली के इस 5 रनों के मदद के साथ. फिर से अच्छी गेंद लेकिन दिशा इन वाइट घोषित करते हुए हसन मोबिन सर 54 पर जाता हुआ स्कोर डेंजर धुन में जाता हुआ स्कोर योगेश पाटिल अब तलौली स्पोर्ट्स का, क्योंकि तलौली के पास अच्छी गेंदबाजी पर है जहां पर एसीसी के बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट किया जा सकता है. एक मोटा डोंगर या ठिकाणी उभा केला जाईल ज्याप्रमाणे फटकेबाजी आपण पाहतोय आणि गोलंदाजी अतिशय खराब दर्जाची आपण पाहतोय एसीसी पडग्या संघाची. नंतर आपण पाहतोय फुलटा चेंडू आणि हा चेंडू सुद्धा जाणार लॉन्ग अन सेमेरेच्या बाहेर एक टावरिंग षटकार. धन्यवाद डीजे. इस वक्त बीसीसी की शहीद खान का आगमन हो चुका, उनसे भी निवेदन आपको मंच पर बैठना और मंच की शोभा बढ़ाने. और पीच गेंद की थी और स्लॉट में मिल गई थी, फुल टॉस बन गई थी और बैट्समैन खिजर रईस के लिए और विद दी टाइट खेला था अगेन लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. क्या शुरुआत करे खिजर रईस. सुप्यान शेख राउंड विकेट स्मर्तबा शरीर को निशाना बनाती हुई गेंद कॉम्बिनेशन नहीं था वहां पर दोनों भी
खिलाड़ी के बीच में रन नहीं पूरा किया पर तीन ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 60 रन बनते हुए प्रति ओवर 20 रन मराते हुए, जबकि पहले ओवर में सलमान ने 20 दिए थे, उसके बाद 22 रन खर्च किए थे सुनील वाडके ने और 18 रन अब जाके खर्च करते हुए सुफियान शेख। दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होता है सन्माननीय मेघनाथ जी विशेष साहेबांचं, त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पर्धेसाठी प्रत्येक सामनावीरसाठी गिफ्ट एम्पर त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेले आहेत, त्यांचं मी आयोजकांच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि आपलं हार्दिक स्वागत सुद्धा करतोय। तर तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर तलोडी स्पोर्ट तलोडी संघाची धावसंख्या 1-60, अजूनही 6 चेंडूचा मित्रांनो आपण केले पाहणार आहोत आणि त्यानंतर एक बिग फाइट मित्रांनो आपण पाहू शकाल। परगा टेनिस क्रिकेट मधील एक बॅलन्स संघ आपण पाहणार आहोत, बीसीसी बोरिवली संघाला एक चेंड मध्ये पाहणार आहोत आणि त्यांच्या विपक्ष संघ असेल विठ्ठल स्पष्ट स्फोट कांदली, या दोन संघामध्ये या पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी नाणेफेकी केली जाणार आहे। तर वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडनं चौथ्या षटकासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय साकिब, साकिबचा आपण विचार केला तर अनुभव आहे त्याच्याकडे आणि नक्कीच तो अनुभव आता मात्र या ठिकाणी त्याला झोकावा लागेल कारण धावा अतिशय वेगाने या ठिकाणी येत आहेत। साकिब वेळे संदर्भात सहकार्य करा प्लीज, आपल्याला 20 मिनिटांचा या ठिकाणी वेळ दिला जातोय आपला एका डावासाठी, जर आपण जास्त वेळ या ठिकाणी खर्च केला तर नक्कीच आयोजकाच्या वतीने आपल्याला पॅनलिस्ट केलं जाईल। साकिब राईट टाइम राउंड ऑफ केचा मार करतोय, पहिला चेंडू आपण पाहतोय गुडलेस फाटवर पडतोय, थोडीशी उसली प्राप्त होतोय चेंडूला आणि नक्कीच आपल्या षटकाची सुरुवात मात्र निर्धाव चेंडू या ठिकाणी करतोय। काफी देर के बाद एक अच्छी गेंद निकलती भी एससीसी पडगा टीम के लिए, हालांकि सुफियान शेख ने अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट भी अपने टीम को दिया था रियान के रूप में। इस मरतबा फोर्स करते हुए सामने की तरफ पहले बाउंस पर गेंद को उठाते हुए सलमान डाउन दी विकेट, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन के साथ 61 पर जाता हुआ स्कोर तलवली टीम का। नक्कीच अतिशय चांगली सुरुवात आपण पाहतोय या षटकामध्ये साकिब कडनं, कारण आपण जर दोन तीन षटकांचा जर आपण जर पहिला विचार केला तर सलमानने 20 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर सुनीलने 22 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतर सुफियानने 18 धावा खर्च केल्या होत्या, म्हणजे महागडा षटक आपण पाहतोय। परंतु त्यानंतर साकिबचा जर आपण विचार केला तर स्लॉग षटकामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी त्या ठिकाणी साकारतोय, परंतु आपण तलोडी स्पोर्ट संघाचा विचार केला तर चांगल्या स्थितीमध्ये आतापर्यंत आपण पाहतोय। एक गडी नक्कीच बाद झाला, रिहानने 17 धावांचं योगदान दिलं, त्यानंतर खिजरने जबरदस्त फटकेबाजी केली आणि त्याला नक्कीच साथ देतोय कमरान पटेल। वैयक्तिक नाबाद 37 धावांवर आतापर्यंत खेळतोय, एक संधी आहे त्याच्याकडे अर्धशतक झळकवण्यासाठी, अजूनही 5-4 चेंडूचा सामना आपण पाहणार आहोत आणि नक्कीच ओरपेजचा चेंडू होता अतिशय मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मध्ये जो जाला मांडला होता त्या जाल्यामध्ये मात्र फलंदाज फसतोय आणि खिजरच्या खेळीचा या ठिकाणी अंत होतोय। तर दुसरा गडी या ठिकाणी बाद होतोय, 37 धावांची एक झुंजार खेळी खिजरच्या बॅटमधून आपल्याला चांगले फटके पाहायला मिळाले, नक्कीच त्याच्या जागावर नवीन फलंदाज आपण पाहतोय खेळपट्टीमध्ये पोचतोय आरकम। बिल्कुल 37 रनों की योगेश पाटिल अच्छी पारी के लिए 12 गेंदों का सामना किया था जिसमें 3 सिक्सर और 3 चौकों की मदद के साथ एक अच्छी पारी अपने टीम के लिए विशाल और विस्फोटक खेली थी खिजर रईस ने। नए बैट्समैन आरकम पटेल आ चुके लेकिन सामना करते हुए कामरान चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, फुल टॉस बन गई थी लेकिन अब जाके गेंद को उठाते हुए निशाना ऊपर चुकता हुआ शाकिब का लेकिन दो रन पूरे करते हुए। नक्कीच एक फ्लॅग दिली होती चेंडूला, फुलटॉस बनवला परंतु टायमिंग मात्र व्यवस्थित झाली नाही, बिल्कुल कहीं ना कहीं लेग ब्रेक करने की कोशिश में गेंद फुलटॉस बन गई थी बैट्समैन कामरान पटेल के लिए। इस वक्त ऑफिशियल स्कोरर जो थाना जिला की बहुत मशहूर और बुलंद आवाज है जिन्होंने फिर से अच्छी गेंद बीट हुए विकेट कीपर बीट हुए रवि और गेंद नॉन स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रन।
अब इस इनिंग की आखिरी गेंद साकिब करते हुए। तर नक्कीच साकिब पुन्हा एकदा आपल्या षटकामध्ये मार्गस्थ होतोय। अंतिम चेंडू आणि ओवर पेच चेंडू आणि नक्कीच चेंडूला मात्र भिडकावून देतोय मिड विकेट सीमेरेषेच्या बाहेर दूर दूर जाणारा बिग हिट षटकार। प्रशांत विषय करीतो याराज लेफ्ट हँड बॅट पंधरा के बाद ओवर पेच गेंद स्लॉट में मिल गई थी और आसमानी टोला खेल दिया तो पर कामरान पटेल ने सिक्सर के साथ चार ओवर्स की समाप्ति के बाद 73 रन और 74 रनों का लक्ष्य रखा है एसएससी पड़गा के सामने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ बढ़ते चेतन पाटिल और किरण विशेष से निवेदन करता हूं आपको टॉस बॉक्स में जाना है जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर योगेश पाटिल टॉस बॉक्स में तैयार है टॉस के लिए बीसीसी बनाम विठल पस्टे कानली के बीच। धन्यवाद आदित्य। तर नक्कीच या ठिकाणी बिग मॅच आपण पाहणार आहोत मित्रांनो बीसीसी बोरिवली वर्सेस विठ्ठल स्पष्टेस फॉर कांदली संघाचा संघणक या ठिकाणी आला नाही। प्लीज विनंती करतोय आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तर उपस्थित मान्यवर गोल्डमॅन ज्या ज्या ठिकाणी स्पर्धा असतात खूप मोठं मोलाचं योगदान असतं चेतन पाटील आणि त्यानंतर उत्कृष्ट क्रिकेटपटू किरण विषय या ठिकाणी येत आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते या दोन सामन्याची आपण नाणेफेकी करणार आहोत। कॉइन नक्कीच आपल्याला माहिती देतो एका बाजूने या स्पर्धेचे आयोजक वन मॅन शो संदीपजी काटोले आहेत आणि त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने जय गणेश चषक वाफाले। संदीपजी काटोले असं कॉल केला जातोय आणि नक्कीच हा कॉल जातोय विठ्ठल फर्स्टेस फोर्ड कांदी संघाच्या बाजूने। तर मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। तर नक्कीच कांदी संघाचा या ठिकाणी संघणक शुभम माझ्या जोडले आहेत आपण नाणेफेकी जिंकलेले चार षटकांचा सामना असेल काय करण्याचा डिसिजन आहे तुझं? फील्ड फर्स्ट। काय कारण सांगू शकतोस? कारण आम्ही म्हणजे टॉस जिंकल्यावर पहिले फील्ड घेतो म्हणजे ग्राउंड बघून आणि आधीच्या मॅच बघून। तुमच्या समोर संघ बघितला तर पडघा टेनिस मधील एक दर्जेदार संघ बॅलेन्स संघ बीसीसी बोरवली त्या संघाचं काही दडपण वगैरे आहे का? नाही तसं काही नाही। तर चार षटकामध्ये समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत आपण रोखण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही 50 च्या वरच 60 पर्यंत करू धावा चार ओव्हर मध्ये। परंतु चांगली गोलंदाजी करावी लागेल तर समोरच्या संघासमोर असा कोणता गोलंदाज तुझ्याकडे आहे की तो चांगली दर्जेदार तुझ्या संघासाठी गोलंदाजी करेल? आमच्या टीम मध्ये चार गोलंदाज आहेत निखिल फर्स्ट आहे जितेश फर्स्ट आहे अशोक काटेसकर आणि राहुल भोईर आहे। ही स्पर्धा खूप चर्चित झालेली आहे तुझं मत काय आहे या स्पर्धेबद्दल? चांगलं आयोजन आहे गेल्या वर्षीपेक्षा तर यावर्षी चांगलं आहे। ऑल द बेस्ट। शाहिद टॉस जिताने बल्लेबाजी करनी है टॉस जीते तो क्या करते आप? योगेश तुमको तो पता है कि हम ज्यादातर बैटिंग ही करते हैं लेकिन पहला मैच था मैं भी यहाँ पर बैटिंग करने का ही सोच रहा था क्योंकि नई टीम है तो चेसिंग का प्रेशर नहीं लेना चाहता था अब वैसे ही बैटिंग आई। तो क्या हम उम्मीद करें ये अच्छा मुकाबला होने जा रहा है? बिल्कुल कोशिश तो यही रहेगी क्योंकि सामने वाली टीम अभी नहीं है पता तो नहीं कैसा खेलते तो अच्छा मुकाबला इंशाल्लाह जरूर होगा। टूर्नामेंट के बारे में क्या दो शब्द? बिल्कुल टूर्नामेंट तो बहुत बढ़िया है और वापाले चषक बोले तो बहुत बढ़िया चषक रहता है कई सालों से स्पर्धा हो रही है 3 से 4 बार हमने इस कप को जीता भी है और संदीप काटोले और उनकी पूरी टीम ये जो ऑर्गेनाइज है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है और इस ग्राउंड पे खेलने का मजा भी बहुत ज्यादा आता है योगेश क्योंकि वापाले चषक बहुत पुराना चषक है पड़गा का एक नामचीन और बहुत बड़ा चषक है तो इस तरीके का चषक हर साल होता रहे यही वापाले वाले से मैं गुजारिश करता हूँ और उनका जो डिसिप्लिन भी रहता है बहुत बढ़िया और इस साल मुझे सबसे ज्यादा खुशी की जो टी शर्ट दी है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दी है क्योंकि मैंने कई टूर्नामेंट में चीज देखा कि जो कहीं जो थोड़े साइज ज्यादा रहती है उनको टी शर्ट नहीं आते और बहुत बेहतरीन है यहाँ पर अर्जन किया फिर से एक बार मैं मुबारकबाद दूंगा वापाले को के पूरे सभी लोगों को और संदीप जी को अतिशय चांगले मनाने या ठिकाणी मनोगत व्यक्त केलं शाहिद खानने। तर मित्रांनो टॉस बॉक्स कडून अशी बातमी येते की विठ्ठल स्पष्टेश्वर कांदी संघाने नाणेफेकी जिंकलेले आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि बीसीसी बोरिवली संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश पाटील बहुत अच्छा ओपिनियन दिया ऊपर शाहिद खान ने लगभग 3 या 4 मरतबा बीसीसी टीम ने इस कप को जीता है हालांकि इस मैदान पर आदित्य कप को भी बीसीसी बोरिवली पड़गा ने कई मरतबा जीता है एक अच्छी टीम मानी जाती है पड़गा टेनिस क्रिकेट की। दो ओपनर्स बीच मैदान पर और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होता बा अंतरराष्ट्रीय जो रेडियो कमेंट्री रहती है
उसके एक अच्छे कमेंटेटर अजय घरत हमसे जुड़ते हुए। धन्यवाद आदित्य, पहली गेंद फुलर लेन थी, लगभग आपने आपको यार्क कर लिया वहां पर सुनील वारके ने। तो डॉट बॉल से शुरुआत हुई है पारी की। एससीसी पड़गा टीम के सामने बहुत ही बड़ा लक्ष्य 74 रन बनाने हैं चार ओवर्स में। लतीफ रईस आक्रमण की शुरुआत कर चुके हैं। सुनील सामना करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर सलमान, इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास था, गेंद में ज्यादा उछाल नहीं था और एक जोखिम भरा रन पूरा किया है। गेंदबाज की मानो हाथ से रन चुरा लिया, हालांकि गेंद वहीं पर लुढ़क कर रह गई थी। गेंदबाज फॉलो थ्रू में आगे बढ़े थे और बल्लेबाज भी काफी तेजी से निकले थे अपने क्रीज से, आखिरकार सुरक्षित पहुंच गए सलमान। बिल्कुल लक्ष्य काफी अजय गलत देखा जाए तो 74 रनों का, उसके जवाब में खराब शुरुआत सुनील और सलमान शेख की। हालांकि सलमान शेख ने कोई भी अभी तक गेंद पूरी तरह से खेली नहीं है, दो गेंदें हुई जिसमें सिर्फ एक रन बनाया सुनील वारके ने। आवश्यक रन रेट पर हम नजर डालें तो 18.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं, बहुत ही कड़ी चुनौती। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचकर ऑन ड्राइव किया है। मिड ऑफ के खिलाड़ी मिड ऑन पर चले गए, वहां पर लॉन्ग ऑन से भी फील्डर आए और यहां पर रनआउट का मौका था, लेकिन मौका गवाते हुए तलवली के खिलाड़ी, सटीक थ्रो नहीं था, थोड़ा हाफ वाली में वहां पर गेंद को कलेक्ट करना था, गेंदबाज को कलेक्ट नहीं कर पाए और रन पूरा हो गया। एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर केवल दो बगैर किसी नुकसान के। ये तो स्लॉट में थी आदित्य, इसका भी फायदा नहीं उठा पाए, बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, ग्राउंडेड शॉट बना, सिर्फ एक रन। इस समय जयगणेश ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है और कमेंट्री पैनल को भी उन्होंने मुबारकबाद दी है और कमिटी को मुबारकबाद दी है, सम्माननीय मंगेश पाटोले देवली से बहुत बहुत धन्यवाद। और देवली टीम ने कल दो मुकाबले जीते है इस टूर्नामेंट में। इस बार सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया है साइड स्क्रीन की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है, अच्छा कैच, बल्लेबाज आउट। प्रशांत विषय करी तो याराज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन धड़ा के बाद, लेफ्ट हैंड बैट्समैन धड़ा के बाद। इस मर्तबा सीधे बल्ले से उछाल दिया था साइड स्क्रीन के सामने, लेकिन काफी बढ़िया रनिंग कैच किजर तेवा पर डीप लॉन्ग ऑन पर और विकेट नंबर एक का पतंग उतारा सलमान शेख के रूप में। हालांकि बड़े स्कोर का पीछा करती भी उस दबाव को अब झेल नहीं रही है एससीसी पड़गा टीम। कई टीमों के साथ ऐसा होता है आदित्य, जब आप बड़े स्कोर का पीछा करते हो तो शुरुआत में ही आपकी पारी लड़खड़ा जाती है। हालांकि पिछले मैच में कहानी थोड़ी उल्टी थी, हमने देखा कि आरजोली टीम ने शुरुआत बढ़िया की थी, दो ओवर्स में 37 रन बनाए थे 58 रनों के जवाब में, लेकिन आखिर के दो ओवर्स में उनकी पारी लड़खड़ा गई। शेखर दर्वी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, विकेट मेडन किया। यहाँ पर लतीफ रईस बढ़िया शुरुआत करते हुए, अगली गेंद इनसाइड आउट ड्राइव लगाने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खा बैठे वहां पर सुफियान शेख, पूरी तरह से बीट हुए और इसके साथ ही ये पहला ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ लतीफ रईस का, स्कोर केवल 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद बैकफुट पर चली गई अब साजिद शेख फैम टीम एसीसी पड़गा। एक ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 3 रन सलमान शेख आउट होने के बाद, कहीं भी अब पिक्चर में नजर नहीं आती भी एसीसी पड़गा। विठल पश्ते स्पोर्ट्स कांदली टीम के कैप्टन, आपसे निवेदन है कमिटी से तुरंत संपर्क करना है, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है आपको। पाचापुर कांदली टीम के कैप्टन, आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ रेहान मुरुम कराते हुए गेंदबाजी के लिए, जिन्होंने लेट महादेव स्मृति मेमोरियल कप कासने में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए थे। वफाली टीम के साथ ने मेगा फिनाले में बहुत गजब का स्पेल उनका रहा था, जिसमें प्रशांत कई ऐसे बैट्समैन जिनको बांध के रखा था। इस ग्राउंड की हम बात करें तो खीजर रेस के लिए मैं समझता हूँ ये ग्राउंड बहुत ही भाग्यशाली है, यहाँ पर कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं खीजर रेस। वकास भी यहाँ पर बहुत अच्छा खेलते हैं, हालांकि वकास टीम में नहीं है, लेकिन खीजर ने आज भी 37 रनों की शानदार पारी खेली। रेहान मुरुमकर के 17 रन, कामरान के नाबाद 13 रन, जिसकी बदौलत रनों का अंबार लगा दिया, रनों का पहाड़ खड़ा किया, 73 रन बनाए चार ओवर्स में और जवाब में एससीसी की पारी लड़खड़ाती हुई
शॉर्ट गेंद इस बार हुक कर दिया है, अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हालांकि पिछले कई मैचों में हमने काफी छोटा रनअप देखा था, इस मरतबा बड़ा रनअप लिया था और तेज करने की कोशिश में शॉर्ट गेंद गिर गई थी ऊपर और छोटी गेंद उसको हुक करते हुए सुनील वारके गेंद डीप लॉन्ग लेग की दिशा पर 6 रनों के लिए। काफी समय था बल्लेबाज के पास, बहुत अच्छी पोजीशन में आते हुए ये स्ट्रोक खेला है। तो पहला छक्का तो आ चुका है इस पारी का, ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक्स की आवश्यकता है आदित्य, एक या दो बड़े स्ट्रोक से एससीसी पटका टीम मैच नहीं जीत सकती है। निश्चित रूप से रेहान मुरुमकर मुड़ते हुए कुछ तभी अफसर रईस उनको कान मंत्र देते हुए, क्योंकि मैच है बहुत बड़ा है, क्योंकि कभी भी पलट कर वार कर सकती है एससीसी पटका, उनके पास क्षमता है, आने वाले बैट्समैन में कई स्टार खिलाड़ी उनके पास है। फिर से छोटी गेंद फोर्स कर दिया, लेकिन पहले बाउंस पर बहुत बढ़िया फील्डिंग हुआ पर वकास रईस की, 1 रन। अजय कर ऐसा लग रहा कि चीते की रफ्तार से गेंद पर झपके दे वकास। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, लेकिन यहाँ पर मौका गवा दिया बल्लेबाज ने। हालांकि खेलना चाहते थे स्क्वेयर लेग या फिर मिड विकेट के ऊपर से, थोड़ी सामने चली गई थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, गति थोड़ी कम थी। सुफियान के पास इस समय स्ट्राइक, फिर से छोटी गेंद थी वहां पर, इस बार छोड़ दिया वाइड का इशारा। लगातार गेंदों को पटकने की कोशिश कर रहे गेंदबाज रेहान मुरुमकर ने, इस मरतबा लेग ब्रेक करने की कोशिश की थी और गेंद को छोड़ दिया था। हालांकि टेनिस क्रिकेट में सिर्फ अच्छी जगह पे आपको गेंद ड्यू करना रहती है, जबकि तेज नहीं करना चाहिए। फिर से लेग ब्रेक, लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर इतने सामने गेंद को उठाया, पहले बाउंस पर दूसरे की कोशिश, मना किया ऊपर सुनील ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक से संतोष होते हुए दोनों भी बैट्समैन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। हालांकि कोशिश जरूर कर रहे दोनों भी बैट्समैन, लेकिन एलिवेशन और कनेक्शन टाइमिंग उतना खास नहीं हो रहा है शॉट के पीछे। 15 गेंदें बची है, यहां से और 62 रनों की जरूरत, सामना करते हुए इस समय सुनील वारके। रेहान की गेंद इस बार फ्लिक कर दिया है खूबसूरती के साथ, फील्डर वहां पर, अच्छी कोशिश थी लेकिन कैच छूटा, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, बाउंड्री बचाने में कामयाब रहे हैं, 2 रन लेने का अवसर था बल्लेबाज के पास। बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ डिप मिड विकेट के खिलाड़ी ने अपनी दाहिनी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था और गेंद तक पहुंच भी गए थे, हालांकि गेंद डिप होकर आ रही थी, मुश्किल अवसर था। सन्मान्य रविंद्र पश्टे साहब का यहाँ पर शुभागमन, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत जय गणेश ट्रॉफी 2019 में। रेहान राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार काफी तेज करने का प्रयास, बढ़िया विकेट कीपिंग, नो बॉल का इशारा आता हुआ, मेरे ख्याल से क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है, तो फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर सुनील वारके को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं बैट्समैन देखने वाली बात है, सुनील के लिए राइट आर्म और से विकेट जाते हुए पड़ गए एंड की जानिब से, स्मर्तवा घूम के मार दिया है, लेकिन कामरान पटेल गेंद के नीचे आते हुए कैच छुट्टा हुआ, लेकिन 2 रन इस बीच पूरे करते हुए, हालांकि कैच भी लेती तो बैट्समैन नट आउट रहते क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी सुनील वारके के लिए, लूजनर की थी, लेकिन हालांकि दूसरे ओवर में अजय अगर देखा जाए तो काफी खराब गेंदबाजी हो रही है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा रहे दोनों भी बैट्समैन। जी हाँ, जिस तरह से लाभ उठाना चाहिए उस तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे। इस बार गेंद थोड़ी नीचे रही, थोड़ी आगे भी रखी हुई गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर बिट किया बल्लेबाज को और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त। एससीसी पटका टीम पूरी तरह से बैकफुट पर, स्कोर केवल 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 57 रनों की आवश्यकता है। यहां से अब गेंदों को मैदान के बाहर मारना होगा या फिर आउट होकर खुद मैदान के बाहर जाना होगा। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ ओ टू दी डीजे एम आमचे वापाले गावाचे जय गणेश क्रिकेट संघाचा
समय यूट्यूब के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं सन्मान्य सचिन एकनाथ काठोले, और जो वो खुद देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर भी है। हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए भेजी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जय गणेश वाफले टीम की ओर से। और अब मंच पर चलते हैं, व्यासपीठावर जाता आहोत अपन। मी विनंती करतो सन्मान्य संदीप काठोले साहेबांना अपन व्यासपीठावर उपस्थित सन्मान्य रवींद्र पष्टे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। एक मोलाची उपस्थिती या स्पर्धेसाठी, आपण पाहू शकाल आपल्या स्क्रीनवर या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सन्मान्य संदीप काठोले साहेब पाहुण्यांना सन्मानित करत आहेत आमचे मान्यवर श्री रवींद्र पष्टे। खेळाडूंना विनंती असेल आपण वेळेच्या बाबतीत प्लीज सहकार्य करायचं आहे। तर आयोजकांच्या वतीने पुन्हा एकदा मी आभार व्यक्त करतो सन्मान्य सचिन एकनाथ काठोले साहेबांचं, ज्यांचं मुलाचं सहकार्य ही स्पर्धा लाईव्ह दाखवण्यासाठी, आणि ते स्वतः युट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत। सामन्याकडे जाऊया, गोलंदाजी मध्ये बदल, गुड्डू येतोय, सुरेख चेंडू त्रिफळा उद्ध्वस्त केला जातोय, पहिल्या चेंडूवर आपल्या संघाला यश मिळवून देतोय गुड्डू। बिल्कुल अजय गरद, तीन सालों के बाद वापसी की गुड्डू मुर्मकर ने, और आते ही अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए सुफियान शेख बोल्ड होते हुए ऊपर गुड्डू की गेंद के सामने विकेट नंबर दो गिरता हुआ एसीसी पड़गा का। बेशक तलवार पुरानी लेकिन धार वही नजर आती हुई अब गेंदबाजी में गुड्डू के। निश्चित अप्रतिम अशी सुरुवात के लिए, पहला चेंडू बरोबर एष्टांच्या रोखाने ठेवला होता, भरपूर वर्षांचा अनुभव या खेळाडूच्या पाठीशी आहे, बहुचर्चित असा खेळाडू राहिलेला आहे गुड्डू। आणि आता मात्र नव्या जोमाने सुरुवात करतोय आपल्या खेळाला, नवीन फलंदाज डावखुरा फलंदाज आलाय सोहेल, 11 चेंडू आणि 57 धावा असं कठीण समीकरण। यावेळेस मात्र नो बॉलचा इशारा, सुरेख फटका, लेट कट केलाय, चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी। नो बॉलचा इशारा, चुकीच्या पद्धतीचं फील्ड प्लेसमेंट होतं, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साईडला दोन पेक्षा जास्त खेळाडू होते, तीन खेळाडू होते, त्यामुळे पंचांनी नो बॉल घोषित केलेला आहे, पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, तळवली टीम वेळेच्या बाबतीत आपण सहकार्य करा, पंचांशी कोणीही हुज्जत घालू नका। मात्र चांगला क्लासिकल लेटकटचा फटका देखील आदित्य आपल्याला पाहायला मिळाला, एकूण 5 धावा येत आहेत। बिलकुल गेंद के आने का इंतजार किया था और लाइट कट खेला था, पर सोहेल शेख ने गेंद चली गई कारपेट के सारे 4 रनों के लिए। फिर से इस मरतबा ऑन साइड की दिशा में ढकेल दिया गेंद को, डी बेस वाले की दिशा पर अफसर ने गेंद को उठाया, कोई बात थ्रो और हिट विकेट होते हुए बैट्समैन वहां पर सोहेल शेख। क्रीजच्या डेप्थचा जास्त उपयोग करण्याचा प्रयत्न झाला होता, पाठीमागे गेला होता क्रीज मध्ये आणि पाय एष्ट्यांना लागला होता, त्यामुळे हिट विकेट। पायचे काय घडतंय, एक धाव पूर्ण झालेली आहे, फ्री हिट चेंडू होता कारण यादीचा चेंडू नो बॉल पंचांनी घोषित केला होता, तर फलंदाज बाद नसेल आदित्य। निश्चित रूप से नाटकी क्रिकेट देखते हुए इस गेंद पर फ्री हिट पर सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की इरफान पठान एक ऐसे बैट्समैन थे जिनको महेंद्र सिंह धोनी ने सीबी सीरीज में रन आउट किया था फ्री हिट गेंद पर। सुनील के लिए गुड्डू मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए मरतबा छोड़ दिया, तेज करने की कोशिश वाइड घोषित करते हुए
प्लेयर्स पवेलियन में जो कुर्सी है उस पर बैठना है एसीसी के सभी खिलाड़ी, एसीसी के खिलाड़ी आपको ऊपर स्टेज पर बैठना है प्लेयर्स पवेलियन के। निश्चितच सर्वच खेळाडूंना विनंती असेल आपण नियमांचं पालन करायचं आहे। पुढचा चेंडू अकोटप्याचा चेंडू आता मात्र इनसाइड एज लागते, डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू लॉंग लेगला ट्रॅव्हल झाला, फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळते सुनीलला, एका धावेने धावसंख्या हळूहळू पुढे सरसावते एससीसी पडगा संघाची 2-25। लगभग मैच को छोड़ दिया जाए गलत ऐसा लग रहा है, कोशिश नहीं हो रही है बैट्समैन की तरफ से रन बनाने की। निश्चित फक्त औपचारिकता जणू काही शिल्लक आहे या सामन्यामध्ये असंच वाटायला लागले। ओ चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ द हैंड डिलिवरी टाकण्याचा प्रयत्न मात्र दिशा भरकटली जाते, खूपच स्लो देखील चेंडू टाकला होता, वाईटचा इशारा। बिल्कुल कंधे की पीछे से गेंद करने की कोशिश की थी ऊपर गुड्डू ने, लेकिन दिशा से फटक गए गेंद, ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइड घोषित करते हुए ऊपर मुख्य अंपायर स्मृतवा लेग स्टंप को मिस करती हुई और एक वाइड, लगभग तीसरी वाइड इस ओवर में हम देखते हुए गुड्डू के माध्यम से। गोलंदाज स्वतः आपला षटक लांबवताना दिसतोय या ठिकाणी गुड्डू, बऱ्याच दिवसानंतर गोलंदाजी करतोय। फुलटॉस चेंडू होता, पुन्हा एकदा डाव्या एष्टीच्या बाहेर, आणखी एक वाईट चेंडू, सलग 3 वाईट चेंडू पाहायला मिळत आहेत गुड्डूच्या माध्यमातून। सुरुवात खूप चांगली केली होती मात्र आता दिशा भरकटताना दिसतोय। 28 रनोपर जाता हुआ स्कोर इस एक्स्ट्रा के साथ, देखना क्या कुछ हुआ, और एक वाइड, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। मैंने पहले कहा था जब ओवर करने के लिए 3 सालों के बाद क्रिकेट में उन्होंने वापसी की और लगे आते ही ब्रेक थ्रू दिला था सुपियान शेख का रूप में, लेकिन रन संख्या 29। प्लेयर्स पवेलियन में एसीसी की खिलाड़ी आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, नहीं तो आपको सीधा पेनालाइज किया जाएगा। महेश विषय कई उनके खिलाड़ी वफाले टीम को आपको वार्न कर रहे हो पर गुड्डू मुड़ते हुए फिर इस मतलब अच्छी गेंद, 4 वाइड गेंदे करने के बाद 2 अच्छी गेंदे अब निकलती भी तलवली स्पोर्ट्स तलवली के लिए। रुका हुआ स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि लक्ष्य 74 रनों का है, उसके जवाब में अभी तक खराब शुरुआत एसीसी पड़गा की। फिर से अधूरे मन से गेंद को ढकेल दिया था, गेंद चली गई डिप में, रेहान ने गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद 30 रन अब पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली है आज अगर देखा जाए तो तलवली टीम ने। सामना पूर्णपणे एकतर्फी झालाय, सामना झुकलाय तो म्हणजे तळवली संघाच्या बाजूने। अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहिली तळवली संघाच्या माध्यमातून, सलामीचा फलंदाज खिजरने 37 धावांची आकर्षक खेळी साकारली, तसेच रिहानने देखील बाद होण्यापूर्वी 17 धावांचं योगदान दिलं होतं आणि चांगल्या प्रकारे इनिंगला फिनिश केलं कामरान पटेलनं, ज्याने 13 धावांचं नाबाद योगदान आपल्या संघाला दिलं, तर 73 धावांचा डोंगर उभा केला होता आणि प्रत्युत्तरात 3 षटकांमध्ये 30 धावा धावफलकावर दिसत आहेत एससीसी पडगा संघाच्या। शेवटचे षटक घेऊन कामरान अकोटप्याचा चेंडू, त्याला टर्न केलं ऑन साईडला, टायमिंग चांगला आहे मात्र जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही, फक्त 1 धाव मिळते। दरम्यान ओव्हर थ्रो, चेंडू जातोय सीमारेषा पार आणि 5 धावा मिळत आहेत। काफी खराब थ्रो डीप से आसिफ शेख का, 5 रन इस गेंद पर मिलते हुए रन संख्या क्या बढ़ती भी 5 रनों के साथ 35 की ऊपर। हालांकि छोटी गेंद थी, सिर्फ अधूरे मन से पुल शॉट्स खेला था, ज्यादा ताकत नहीं थी शॉट्स के पीछे सोहेल शेख की। फिर से फोर्स कर दिया लेकिन गेंद लॉन्ग आर्म की दिशा पर चली गई, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। वफाले टीम के खिलाड़ी प्रतीक विषय आपको कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क करना है, जहां पर आपकी संदीप विषय आपका इंतजार कर रहे। प्रतीक विषय उर्फ बाबू आपको संदीप विषय के साथ संपर्क करना है। फिर से हवा में खेल दिया है, कॉटन बोल्ट का खतरा हो सकता है और विकेट फेंक दिया वहां पर सोहेल शेख ने।
निश्चितच जय गणेश वाफाळे क्रिकेट संघाची ही मानाची सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. जय गणेश ट्रॉफी 2019 तिसऱ्या विकेटचं पतन झाले. एक मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र पूर्णपणे मिसटाईम फटका होता. मोठी लीडिंग एज लागली. स्वतः गोलंदाज कामरानने झेल टिपला. धावसंख्या 3-36 फक्त औपचारिकता पूर्ण केली जाते या मॅच मध्ये. यानंतर बीसीसी विरुद्ध कांदळी अशी लढत असेल. आता मात्र मोठा प्रहार केलाय. पुन्हा एकदा मिसटाईम फटका. झेल मात्र टिपता येत नाहीये. लतीफच्या हातातून झेल सुटतोय मात्र त्याने सामन्याच्या निकालावर फारसा परिणाम होणार नाही. ये देखिए आ गए बीसीसी के 12वें खिलाड़ी रापिद भदवड़कर. खेल की शुरुआत होती भी अब सिंगल के साथ स्कोर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 37 क्यूक पर चला गया. फिर से अधूरे मन से बल्ला चला गया, चली गई विकेट कीपर के पास. सिर्फ औपचारिकता एक गेंद शेष. और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है. अनेक अनेक अभिनंदन तलवली स्पोर्ट्स, तलवली खिजर, कमरान पटेल, रेहान, आसिफ, लतीफ रईस, हार्ड लक, टफ लक, साजिद शेख, एसएससी पड़गा, सुनील वारके, सलमान शेख, रवि मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने 3 सिक्सर और 3 चौकों के मदद के साथ 37 रनों की विशाल पारी खेली वो है खिजर. खिजर आपको आगे आना है मैन ऑफ द मैच के लिए. आइए दोस्तों लौट चलते अब मैन ऑफ द मैच की तरफ जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत बिल्कुल तैयार है. धन्यवाद आदित्य. तर मैन ऑफ द मैच आमचे प्रायोजक आहेत किरण विशे, मेघनाथ विशे, सतीश विशे, सारंग काठोळे, केक स्ट्रीट चे प्रशांत गोराटकर, मुकेश पाटील कुरुंद, तसेच सचिन विशे, योगेश दोंदे, राकेश शिरसाट आणि केवल पाटील या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. आणि आपण पारितोषिक देत आहोत या ठिकाणी खिजरला. अप्रतिम फटकेबाजी केली होती. सर्वप्रथम सन्माननीय रवींद्र पष्टे साहेबांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी. त्यानंतर सन्माननीय चेतन पाटील यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे गिफ्ट हॅम्पर. तसेच सन्माननीय राजेश विशे यांना देखील विनंती करतो आपण आपल्या शुभास्ते 2 पारितोषिक द्यायची आहेत. पारितोषिकांचा वर्षाव केला जातोय मॅन ऑफ द मॅच खेळाडूवर. त्यानंतर सन्माननीय संदीप विशे साहेबांना विनंती करतो. तसेच संदीप काठोळे साहेबांना देखील विनंती करतो आपल्या शुभास्ते देखील 1-1 पारितोषिक द्यायचं आहे. एकूण 9 पारितोषिक आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून. सन्माननीय संदीप विशे साहेबांच्या शुभास्ते मॅन ऑफ द मॅचची गिफ्ट हॅम्पर त्या ठिकाणी. त्यानंतर सन्माननीय विजय विखंडे साहेब देखील आहेत, त्यांच्या शुभास्ते देखील 1 पारितोषिक आणि 1 कॅप आपण देणार आहोत. हॅट आहे सन्माननीय सुभाष विशे साहेबांच्या शुभास्ते. तसेच ॲप्पी फिज. सो व्हेरी व्हेरी वेल प्लेड खिजर. अपेक्षा आहे की पुढील सामन्यामध्ये देखील तुम्ही अशाच प्रकारची कामगिरी कराल. त्यासाठी आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा. पंचांना विनंती असेल आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. नवीन सामन्याकडे आपण जात आहोत. नवीन संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होतोय आणि या नवीन सामन्यासाठी मायक्रोफोनवर सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ पीटीसी योगेश पाटील. धन्यवाद अजय गरत. तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतो या जय गणेश चषक 2019 हे पर्व. हे दुसरा दिवस आपण पाहतोय स्पर्धेचा 5वी लढत. बीसीसी बोरिवली वर्सेस विठ्ठल स्पष्टे स्पोर्ट्स कांदली या दोन संघामध्ये तरणकीचा नाणेफेकी जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण पाहतोय कांदली स्पोर्ट्स संघाचा. आणि नक्कीच त्या ठिकाणी व्यूहरचना केली जाते. दोन्ही पंच
मैदानाचा ताबा या ठिकाणी घेत आहेत पंच हसन मोमीन सर आणि पंच अंकुश चौधरी सर. अतिशय चांगली कामगिरी आपण पाहतोय पंचांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये. तर सलामी जोडी आपण पाहतोय बीसीसी बोरिवली संघाची, शाहिद खान आणि जरार मुल्ला. बीसीसी बोरिवली संघाचा विचार केला तर धनेश चषक 2019 रनरअप संघ मित्रांनो आपण त्यांना नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये अंतिम सामन्यामध्ये त्यांना खेळताना पाहिलं होतं, नक्कीच मनोबल थोडंसं उंचावलेलं असेल. तर पाहूया.